हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, निर्हता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते के संबंधित। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को अंत तक देखें। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ हो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो चैनल को शेयर कर, जो वीडियो है उसको शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, निरक्षता, कार्यकाल है, वेतन है, भत्ते कितने होते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्य की योग्यता अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यता 173 संविधान के अनुसार दी गई है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, किसी न्यायालय दिवालिया है जिसमें पागलपन न घोषित किया हुआ न्यायालय द्वारा और दोस्तों संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अनुसार विधानसभा की अयोग्य दोस्तों न हो। अब बात करते हैं सदस्य की निरागता। अनुच्छेद 190 के तहत दोस्तों सदस्यता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति। यदि कोई सदस्य संसद द्वारा विधानसभा दोनों का सदस्य चुना लिया जाता है या दोस्तों दो राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाता है और दोस्तों 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना किसी भी उसमें सभी अधिवेशन की अनुपस्थिति रहती है तो दोस्तों सदन उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर सकता है, परंतु 60 दिन के उपायों की अवधि में भी किसी भी ऐसी अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसके दौरान दोस्तों 17 विशेष निरंतर से 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता हो। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्य विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस निश्चित समय के लिए पूर्व में राज्यपाल या विधानसभा की भंग भी कर सकता है। राज्यपाल दोस्तों इसे समय निश्चित समय से पहले भी विधानसभा को भंग भी कर सकता है। अब देखिए, आपातकालीन स्थिति में संघीय संसद दोस्तों कानून बनाकर किसी भी राज्य या विधानसभा में जिसकी विधानसभा की अवधि अधिक से अधिक एक समय यानी एक वर्षों तक बढ़ सकती है, आपातकालीन स्थिति की दोस्तों समाप्ति के बाद बढ़ाई हुई हो तो उसमें दोस्तों 6 महीने तक ये लागू रहेगी। और दोस्तों, विधानसभा के वेतन एवं भत्ते, विधान परिषद के सदस्यों को वही वेतन और भत्ता मिलता है जो दोस्तों एक राज्य विधानसभा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी अब शपथ के बारे में बात कर लेता हूँ, जहाँ संसद सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ दिलाता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 99 के अनुसार है। वहीं राज्य विधानसभा सदस्यता राज्यपाल और उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी इसके दोस्तों समक्ष रहते हैं, वो दोस्तों अनुच्छेद 188 के तहत। तो विधानसभा से संबंधित आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों के शक्तियों की तुलना करेंगे, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।